अरे तुम लोग शूट के लिए हमें बाहर क्यों लेके आए? अरे क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं पता है? क्या? Living like BTS for 24 hours. Yes. जो पैकिंग करते हैं कोरिया जाने के लिए. ए ए ए क्या कोरिया? हमारे पास कोरिया जाने के लिए पैसे नहीं है इतने, इसलिए हम क्या करें? ट्रेन से जाएगी, काम कर तू ना, रिक्शा से जाइए. ऑटो ऑटो इसको लेके जाओ. चलो फिर डायनामाइट का डांस कर दे. ये डायनामाइट का डांस था गाइस, कमेंट में बताना कि डायनामाइट का डांस ऐसा ही है. पंक पंक लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है ऐसे. तो पहले कपड़े लेने जाते हैं ना? हां तो पहले कपड़े लेते हैं और फिर जाते हैं. चलो ओके चलो. तो अभी हम आए हैं मॉल में देखने के लिए BTS के क्लोथ्स. तो हम गए पहली स्टोर में, बड़ी स्टोर में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं था. तो अब हम आए हैं दूसरे स्टोर में और यहाँ पे देखिए ना कितना प्यारे BTS के कलेक्शन के क्लोथ्स है. तो हम फटाफट इसे खरीदते हैं, पहनते हैं और आपको सीधा बाहर मिलते हैं. वाओ, आई लव BTS गाइस. हम पहुंच गए BTS थीम्ड रेस्टोरेंट में. yes. बहुत जोर से भूख लगी है. यहाँ पे कोरियन खाना मिलने वाला है. yes, यहाँ पे कोरियन खाना भी नहीं, यहाँ पे वो खाना मिलेगा जो BTS को पसंद है. चलो बहुत जोर से भूख लगी है, आओ अंदर चेक करते हैं. तो फाइनली हम इस अमेजिंग कैफे के अंदर आ गए और यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिखे हमें, मिनिएचर्स ऑफ BTS, छोटे छोटे BTS के कैरेक्टर्स. इसमें तो मेरा फेवरेट जे होप भी है. मेरा आरएम है. तो अभी इस कैफे में आए तो हम इसका मेनू भी चेक कर लेते हैं. मेनू भी चेक करते हैं और आपको भी दिखाएंगे. अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा जो मेनू है ना पूरा कोरियन फूड का है. वाओ, है ना. तो अभी BTS का फेवरेट फूड जो भी है हम मंगा लेंगे. अरे उनको रेमन नूडल्स खाना बहुत पसंद है तो वो ऑर्डर करेंगे. बैनबैन चिकन किमची मजा आने वाला है. कुछ ऑर्डर करते हैं. चलो काम करते हम लोग ऑर्डर कर देते और ऑर्डर होने के बाद हम शॉपिंग करने चलते हैं. नीचे स्टॉल से शॉपिंग करेंगे. एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए ना. जब तक हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की जाए. और यहाँ पे ना स्पेशली BTS को डेडिकेटेड ये शॉपिंग सारी चीजें एक्चुअली उनकी. तो क्या क्या बाय करे यार ये सब लोग. एक ही कुछ भी अपने मन में. मैं क्या बोलता हूँ पूरी दुकान ही लेके चलते. नहीं नहीं दुकान ही दुकान. मैं ले रहा हूँ BTS की एक K-pop की डायरी. और मैं ले रही हूँ ये पेन. मुझे मिला है राइटिंग पैड. राइटिंग पैड लेके तू क्या करेगा? वाओ कितनी टेम्पटिंग डिशेस है यार. और खुशबू भी इतनी मस्त आ रही ना. वाओ अच्छा लगता है. किमची पिकल है, कोरियन पिकल, which is very famous, yeah. Okay. And this is army drink. Army drink, BTS army drink. Oh wow. Yes. Oh. तो चलो हमने टेस्ट करते हो, बता दे कि कैसे. टेस्ट करो, उसके बाद कैसा लगा मुझे एक बार इन्फॉर्म. यार पक्का पक्का पक्का. चलो. यार क्या डिलीशियस है, कौन सा खाए पहले यार. बहुत सारे ऑप्शन. सभी अच्छा लग रहा है यार.
तो फाइनली हम खा के निकल गए, खाना बहुत यम्मी था और ये देखो हमें क्या दिया है साथ, BTS द बेस्ट। चलो अब चले, चलो चलो। तो बडीज, हम ना 24 आवर्स BTS जैसे रहने नहीं वाले, तो उनके साथ हम कोलैब करने वाले हैं। यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार कि BTS किसके साथ कोलैब कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली कैसे कि वो आपको तो पता है कि वो बहुत बिजी है तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ने फोन पे उनसे बात बोला कि वीडियो चैट हम कर सकते हैं। अभी हम कॉल लगा रहे हैं BTS के जंगकुक को। जंगकुक कैसे जाते क्योंकि वो थाने मानपाड़ा में रहता है। चलो अब हम कॉल लगाए जंगकुक को। ए देखो खुद कॉल कर रहा है, खुद बात करूंगा तुम। जंगकुक कैसे है? क्या वो बालों में डैंड्रफ हो गया है? हंस क्या रहा है? अच्छा बाल गिर रहे हैं आगे से, तेल लगा, नीम का तेल लगा, लिपस्टिक क्यों लगाई है? अरे कट कर दिया सच्ची, तुम लोगों को देख आरएम को कॉल करते हैं हम लोग। अरे लगा ना संकेत, एक सेकेंड, मेरे पास जंगकुक का नहीं बट आरएम का नंबर लगा रहता है। हाय आरएम भाई, कैसे बढ़िया क्या? अरे हाय हाय हाय, बोल दिया। अरे अरे इतनी बार, अरे हाँ बाबा, हाय हाय, हो गया। और एक कॉल ट्राई कर दे। और अरे क्या है, जंगकुक का मैसेज लिखा आई लव यू जंगकुक इसको आई लव यू बोलेगा? जंगकुक तेरा आदेश है इसके पहले, मुझे ये बता तू, ठीक है? अक्षदा मिला के एक जंगल बुक बनता है। हम चारों फैक्ट बताएंगे, अननोन फैक्ट्स। चलो पहले कौन बताएगा? तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। ओके, तुम्हें तो पता है कि BTS ये एक्चुअली कोरियन बैंड है, वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं बोली जाती। हाँ। तो RM जो एक BTS का मेंबर है उसने इंग्लिश सीखी, वो भी कैसे पता है? फ्रेंड्स, ये टीवी सीरियल देख के। टीवी सीरियल देख के वो इंग्लिश सीखा, और RM इज द ओनली पर्सन इन द मेंबर जो इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता है। ओ अक्षदा ने भी टीवी सीरियल देख के काफी ओवर एक्टिंग सीखी है। ओ वाओ, ओवर एक्टिंग। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, उसमें एक वी मेंबर है, ठीक है? yes, yes. तो वी है ना, उसके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो अपने दोनों हाथों से एट अ टाइम लिख सकता है। ओह वाह, मैं बताऊँ एक, मैं शुगा मालूम है। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, BTS जब इनिशियल डेज में थे तो तुम्हें पता है क्या, वो अपने पैम्पलेट्स अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए लोगों में बांटा करते थे, और उनका पहले नाम BTS नहीं था, नाम पहले नाम था जो हम आपको पूछना चाहते हैं कि ये राइट है कि नहीं, रॉन्ग है। हाँ। कि BTS जो है ना, उन्होंने टिकटॉक में फास्टेस्ट 1 मिलियन गेन किए थे फॉलोअर्स। या फिर बडीज, अगर आपको भी कोई फैक्ट पता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हमें पढ़ने में बहुत खुशी आएगा। यस, और आपको भी एक बात फैक्ट बता दे जो हंगरी बर्ड्स के बारे में किसको नहीं पता, जो लड़कियां हैं दोनों ये कोई भी बात पे झगड़ा कर सकती है। हो गया तुम्हारे बड़बड़ हो गए। अरे प्लीज लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब करना, मतलब आप एटलीस्ट BTS के लिए तो आपको लाइक करना पड़ेगा, 1 लाख लाइक होना चाहिए वीडियो को। कसम है आपको।
हाँ सच में। और अगर हमारा जो दूसरा चैनल है हंगरी बर्ड इनसाइड, उसे भी जाके जरूर चेकआउट करना। और आपको तो पता है लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना और हमारे शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं, वही बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट्स होते हैं, प्लीज जाके उसे भी देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारंगी।